हरे कृष्णा। मैं अभी इस्कॉन पुणे मंदिर में हूँ, जो कि यहाँ पे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जी है, श्री श्री गौर निकाय है और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी भी है और बालाजी भी है। तो मैं आपको एक दिखाऊंगा ये कैसे ध्रुव महाराज जी का कैसे बनाया गया है, उनके जो प्रारंभ से लेकर भगवत प्राप्ति तक। तो मैं आपको एक एक करके दिखाता रहूँगा और साथ में ये जो स्टोरी बताता रहूँगा। पहले हम देखते हैं कि यहाँ जो है लिखा हुआ है, अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयास करते हुए बालक ध्रुव का उसकी सौतरी माता सुरुचि द्वारा तिरस्कार। तो एक दिन जो है ध्रुव महाराज जी के जो पिता है उत्तानपाद के गोदी में उत्तम, जो कि ध्रुव महाराज जी के जो दूसरा भाई है, जो उत्तानपाद के दो पत्नी थी मुख्य रूप से सुरुचि और सुनीति। तो जो सुरुचि को उत्तानपाद बहुत प्रेम करते थे और हालांकि सुरुचि छोटी थी, सुरुचि के जो कोके का जो पुत्र है उत्तम, उसको वो एक दिन गोदी में बैठा हुआ था, उत्तानपाद के गोदी में बैठा हुआ था। तो ध्रुव महाराज जी का भी मन हुआ कि वो आके क्या करे, उनके पिता में के गोदी में बैठे। लेकिन सुरुचि जो है उनको तिरस्कार कर देती है और कहती है कि इसके लिए आपको फिर मर के दोबारा मेरे जो है कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तभी जाके मेरे गर्भ से जन्म लेने के बाद जाके तुम्हें अधिकार प्राप्त होगा कि तुम्हारे पिता की गोदी में बैठने के लिए। तो ध्रुव महाराज वहाँ से जो है चले जाते हैं, गुस्सा होकर चले जाते हैं, उनको क्रोध आता है, क्षत्रिय का स्पिरिट था उनके अंदर। तो वो जाके जो अपनी माता के गोदी में बैठते हैं और माता को जो है बताते हैं कि ऐसा कैसा है कि क्यों मैं अपने पिता के गोद में नहीं बैठ सकता। तो माता कहती है कि देखो, मुझे तो जो है तुम्हारे पिता एक दासी रूप में देखते हैं और तुम्हें अगर जो भी अगर प्राप्त करना है तुम्हें भगवान विष्णु का आराधना करना पड़ेगा। तो पूछते हैं ध्रुव महाराज कि कहाँ मिलेंगे विष्णु। तो सुनीति कहती है जो है वो तो जंगल में लोग जाते हैं, ऋषि लोग जाते हैं उनको प्राप्त करने के लिए और जंगल में जाकर वो आराधना करते हैं। तो ध्रुव महाराज तो तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और जंगल की ओर निकलने पड़ने के बाद रास्ते में नारद मुनि मिलते हैं और नारद मुनि उनको बहुत ही प्रयास करते हैं उनको घर वापस भेजने के लिए। उनको कहते हैं कि ये समय तुम्हारा तपस्या करने का नहीं है, ये समय तो तुम्हारा खेल कूद का समय है। क्या हो गया अगर तुम्हारे पिताजी ने जो है गोदी में आज बैठने के लिए नहीं दिया, कभी बाद में दे देंगे। लेकिन ध्रुव महाराज सुनते नहीं हैं। ध्रुव महाराज कहते हैं अगर आप मुझे सहायता करेंगे तो कर्ज कीजिए, नहीं तो मेरे रास्ते से हट जाइए। तो नारद मुनि देखते हैं उनका डिटर्मिनेशन देखकर ध्रुव महाराज जी का, उनको क्या करते हैं, उनको जो है वो साधन विधि सब बताते हैं, कैसे जो है भगवान का विग्रह, भगवान विष्णु का विग्रह बनाना है, उनको कैसे भोग लगाना है। और इसी प्रकार जो है ध्रुव महाराज जी को वो जो है गाइड करते हैं और फिर ध्रुव महाराज नारद मुनि से शिक्षा ग्रहण कर चले जाते हैं वृंदावन में जो है तपस्या करने के लिए। फिर हम देखेंगे कि नारद मुनि वो आकर जो है ध्रुव महाराज जी को कह रहे हैं कि कैसे, नारद मुनि आकर उत्तानपाद को कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज कैसे कठोर तपस्या में रत है। और फिर हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज कैसे तपस्या करते हैं 6 महीना। पहले महीने में वो फल ग्रहण करते थे, दूसरे महीने में फल छोड़कर सिर्फ पानी पीने लगे और तीसरे महीने में जो है उसको भी छोड़ दिए। इसी प्रकार उन्होंने आखिर महीने में हवा तक सांस तक भी रोक दिया। जब ऐसा किए तो तुरंत क्या हो रहा कि जैसे ध्रुव महाराज सांस लेना बंद कर दिए और ध्रुव महाराज जी के हृदय में भगवान विष्णु को वो
आराधना कर रहे थे, तुरंत क्या हुआ कि पूरे संसार में ऐसा लगा कि जो है सांस बंद हो गया। तो सभी देवी देवताएं वो जाके जो है भगवान विष्णु के आश्रय में जाते हैं, और भगवान विष्णु कहते हैं कि ठीक है, मैं अभी जाऊंगा और उसका जो है तपस्या को भंग करूंगा। और तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे जो है भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर जो ध्रुव महाराज जी की ओर आते हैं, और फिर हम देखते हैं कि भगवान विष्णु जो है उनके हृदय से एक समय के लिए अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तभी ध्रुव महाराज आंखें खोल के देखते हैं कि उनके सामने जो है भगवान विष्णु खड़े हैं, तो उनको दंडवत प्रणाम करते हैं ध्रुव महाराज, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और फिर ध्रुव महाराज जी को कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या बोलूँ, वो कभी कभी प्रणाम कर लेते हैं, उठ जाते हैं, छोटा सा उम्र है, क्या स्तुति करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आता। तो फिर भगवान विष्णु उनके जो सिर को शंख से टच करते हैं, और टच करने के बाद फिर ध्रुव महाराज उनका स्तुति करने लगते हैं भगवान विष्णु का। और भगवान विष्णु जब उनको कहते हैं कि आपको क्या मांगना है मांगिए, तो ध्रुव महाराज हालांकि जब तपस्या करने आए थे तो उनके मन में यही था कि ये आज क्या जो है मेरे पिताजी के गोद में बैठने नहीं दे रही है, मैं तो ब्रह्मा जी से भी बड़ा लोक को प्राप्त करूँगा भगवान विष्णु को आराधना करके, तब ये देखेगी जो है मेरा जो है वो क्या है। तो लेकिन इस समय जब भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम्हें क्या मांगना है मांगो, तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि मैं क्या मांगूँ, मैं तो कांच का टुकड़ा मांगने आया था और मेरे सामने हीरा खड़ा है। तो इसलिए वो शर्मा जाते हैं, वो जो मांगने के लिए आए थे, तो वो नहीं मांगते हैं। फिर भी भगवान विष्णु उनको ध्रुव लोक प्रदान करते हैं, ध्रुव लोक को जो है उसी समय प्रकट करके प्रदान करते हैं, जो कि प्रलय के समय में भी नष्ट नहीं होता। तो यहाँ देखते हैं हम कि कैसे जो है ध्रुव वापस आते हैं। जब जो उत्तानपाद सुनते हैं तो सभी जो है उत्तानपाद और रानी सभी जाते हैं ध्रुव महाराज जी को से मिलने के लिए, उनको स्वागत करने के लिए, और सभी यहाँ पे जो है उनसे मिलते हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि भगवान की आराधना करने से जो है वो शत्रु भी जो कि सुरुचि जो है हालांकि बहुत ही कठोर व्यवहार कर रही थी, वो भी आके जो है प्रेम से मिलती है। तो भगवान जी को प्रेम करने से अपने आप ही सभी जो है प्रेम करने लगते हैं। तो यहाँ ध्रुव महाराज जी को सभी जो है नगरवासी भी हाथी के ऊपर बिठा कर जो है उनको क्या कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और यहाँ दिखाया जा रहा है कि कैसे ध्रुव महाराज जब विष्णुदूत आते हैं उनको यान पर बिठा कर वैकुंठ लेकर जाने के लिए, उस समय ध्रुव महाराज कहते हैं कि मैं अपनी माँ को भी लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि माँ के कारण ही मैं जो है भगवान की भक्ति कर पाया था, भगवान विष्णु की भक्ति कर पाया था। तो लेकिन विष्णुदूत कहते हैं कि आपकी माँ जो है ऑलरेडी आगे आगे जा रही है, आगे आके एक यान में जा रही है, आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से पता चलता है कि कैसे ध्रुव महाराज जी के माँ कितना कॉरेजियस थी, जो कि क्या कि ध्रुव महाराज जी को भगवान विष्णु के आराधना करने के लिए जंगल तक भेज दी, वो उनको रोकी नहीं। लेकिन आजकल हम देखते हैं जो माताएं हैं वो बल्कि उनके बच्चों को टीवी और मोबाइल देखने में रोकते नहीं हैं, बल्कि मंदिर जाने में रोकते हैं, कहते हैं कि इतना भक्ति करने की क्या ज़रूरत है, अभी भक्ति करने का समय नहीं है। लेकिन यहाँ से हम देखते हैं, शिक्षा लेते हैं कि सुनीति कैसे बचपन छोटे जब था ध्रुव महाराज, उस समय से उनको भगवान भक्ति करने के लिए प्रेरणा दी, और इसी कारण ध्रुव महाराज भी वैकुंठ जा रहे हैं और साथ साथ उनकी माता भी जो है वैकुंठ गमन कर रही है। हरे कृष्णा। तो आपको कैसा लगा ये जो हमने दिखाए, ये डायरामा जो दिखाए, आपको कैसा लगा आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। और
इससे आपको क्या शिक्षा मिला। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। हरे कृष्णा। ध्रुव महाराज की जय।